हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने किसी भी 5-स्टार होटल में जॉब करना है या किसी भी 4-स्टार होटल में जॉब करना है तो आपको किसी भी होटल मैनेजमेंट में डिग्री या होटल मैनेजमेंट में आपको डिप्लोमा करने की ज़रूरत नहीं है। बिना डिग्री और डिप्लोमा के भी आप किसी भी 5-स्टार होटल में और 4-स्टार होटल में आप जॉब पा सकते हैं। तो डिटेल में जानने के लिए बने रहिए एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू लाइक के होता क्या है कि कहीं ना कहीं किसी की एजुकेशन 10th होती है, किसी की 12th होती है, या किसी ने बीए कर लिया है, बीएससी कर लिया है, बीकॉम कर लिया है, या किसी और फील्ड में चले गए हैं, या कोई और डिप्लोमा या कोई और कोर्स कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी का इंटरेस्ट है कि होटल मैनेजमेंट में हमने जाना है। अब उनके पास होटल मैनेजमेंट में डिग्री भी नहीं है ना होटल मैनेजमेंट में उनके पास कोई डिप्लोमा है। अब होटल मैनेजमेंट में आने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फाइंड आउट कि किस डिपार्टमेंट में आपको जाना है। आपको ये देखना पड़ेगा कि होटल मैनेजमेंट में किसी भी 4-स्टार होटल के अंदर, 5-स्टार होटल के अंदर क्या है कि मोस्ट ऑफ जो होते हैं 4 डिपार्टमेंट होते हैं। आपका फ्रंट ऑफिस होता है एक, भाई सेकेंड आपका F&B सर्विस होता है, थर्ड आपका फूड प्रोडक्शन होता है, किचन डिपार्टमेंट, और फोर्थ आपका होता है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। ये जो अपने मोस्ट फोर्थ टाइप ऑफ डिपार्टमेंट जो होते हैं, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मैंने किस डिपार्टमेंट में जाना है। तो आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस डिपार्टमेंट में आपको जाना है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग एजुकेशन का रोल रहता है। अब जैसे किचन में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आई प्लस टू भी अगर नहीं किया है फिर भी आप एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है आपका काम स्किल्स आपकी वहाँ पर देखी जाती हैं, आपकी प्रैक्टिकली वर्क आपका देखा जाता है, वे ऑफ वर्किंग आपका देखा जाता है, फूड बनाने का जो खाना बनाने का एक पैशन होता है वो आपका देखा जाता है। वहाँ पर एजुकेशन का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता है। वहीं पर अगर आप बात करते हैं कि हमने F&B सर्विस में जाना है, हमने फ्रंट ऑफिस पे जाना है, हमने हाउसकीपिंग में जाना है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा आपको कि HM में आपके पास डिग्री नहीं है कोई बात नहीं है, HM में आपके पास डिप्लोमा नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन आपके पास नॉर्मल एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन कहने का सेंस है कि आपने अगर BA किया हो, BSc किया हो, BCom किया हो, अदर किसी भी फील्ड में आपने कोई भी कोर्स, कोई भी डिप्लोमा आपने किया हो, या प्लस टू आपने अगर किया है, तो आप किसी भी अच्छे होटल में एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि होटल लाइन में होता क्या है, होटल लाइन डिपेंड करती है टोटली प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस पर। प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कहने का सेंस है कि अगर आप सर्विस में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको सर्विस ही प्रोवाइड करनी है, गेस्टों के साथ में डील करनी है, कोई आपका वहाँ पे डिग्री डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं देखेगा। तो डिग्री अगर आपके पास होटल मैनेजमेंट की नहीं भी है, आपके पास नॉर्मल अपनी एजुकेशन आपके पास है, BA, BSc, BCom या कोई भी अदर कोर्स, या प्लस टू अगर आपने किया है, तब भी आप होटल लाइन में स्टार्टिंग कर सकते हैं। आई गारंटी यू कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी एरर आता है सर्विस में, हाउसकीपिंग में, फ्रंट ऑफिस में आपने जॉब करनी है, तो मैं आपकी सपोर्ट करूंगा। किसी भी होटल के अंदर कैसे हमने अप्रोच करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि आपको किसी ना किसी के नेटवर्क में आना पड़ेगा, किसी ना किसी के जैसे लिंक में रहना पड़ेगा। आपका आपकी कोई सर्कल का कोई भी आपके नेटवर्क से, आपके क्षेत्र से कोई भी बंदा अगर होटल लाइन में जॉब कर रहा है तो एटलीस्ट उससे आप बात कीजिए, या फिर मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई दूंगा। तो यहाँ पर कोई भी HM की डिग्री या HM का डिप्लोमा बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, आपको लगता है मेरे पास आपके पास टाइम है, आप स्टडी कर सकते हैं, आप डिग्री डिप्लोमा कर सकते हैं, तो आप कीजिए। अगर आपके पास नहीं भी है तब भी आप अच्छा कैरियर इसमें बना सकते हैं। किचन में अगर आपने 10th और प्लस टू अगर किया है तो वो एक अच्छी एजुकेशन है, उसके ज़रिए किचन डिपार्टमेंट में एक अच्छा कैरियर आप बना सकते हैं। वहीं प्लस टू से ऊपर अगर आपने ग्रेजुएशन अगर कर लिया है किसी भी फील्ड में, तो F&B सर्विस, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, यहाँ पर आप एक अच्छा कैरियर आप बना सकते हैं होटल लाइन के अंदर। होप यू गाइस के वीडियो कहीं ना कहीं आपको पसंद आई होगी और एक अच्छा डिसीजन लेने में आपकी हेल्प होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बाकी ये वीडियो आप आगे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक ग्रुप में, ताकि कहीं ना कहीं जिसे एक जॉब की ज़रूरत है वो जॉब को फाइंड आउट कर पाए इजीली।